फ्रेंड्स, क्लास सेवन्थ हिंदी रीडर की बुक है और यहाँ पे हम चैप्टर थ्री करेंगे आज, भक्ति के पद। कविता का परिचय दे दूँ। प्रस्तुत पाठ में मीराबाई, सूरदास, कबीर तथा नानक के एक एक पद दिया गया है, यानी बारी बारी से पढ़ाया गया है। चार पैराग्राफ है, हम इन्हें बारी बारी देखेंगे। सबने भगवान की सत्ता को सर्वोपरि माना है। मीराबाई अपने भगवान को अपनी जीवन की पूंजी मानती है। सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। कवि ने भगवान को विभिन्न रूपों में व्याप्त एक सत्ता माना है। नानक ने भी ईश्वर को जगत के कण कण में विराजमान बताया है। तो आइए हम बारी बारी पढ़ते हैं। पहले मीराबाई का पढ़ेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। कि वो ईश्वर से कहते हैं कि मैंने राम रतन धन पाया, यानी मैं राम को रटती हूँ, भजती हूँ और ये मेरे लिए एक संपत्ति है, यानी मेरे एक धन का काम करती है। धन की तरह जिस प्रकार से लोगों को धन पा करके खुशी मिलती है, ऐसे ही मुझे परमात्मा का नाम लेकर के, यानी राम का नाम लेकर के खुशी मिलती है। ये एक ऐसी अमौलिक वस्तु है, अमौलिक यानी अनमोल वस्तु है, मेरे सतगुरु कृपा करे अपना, कि ईश्वर ने मुझे कृपा करके अपना लिया है, मुझे अपना बना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, मैंने जन्म जन्म की पूंजी पा ली है। जब जग में सब खावा, बाकी सब कुछ मैंने गंवा दिया है, यानी छोड़ दिया है। ईश्वर के अलावा मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। खर्चे ने लूटे, कोई चोर ने लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ना ही तो ये इसे खर्च कर सकते हैं, ना ही इसे कोई चोर लूट सकता है, और दिन दिन तक ये क्या है, आगे बढ़ता जाता है। सत की नाव केवटिया सतगुरु, यानी ये जो सत्य की नाव है, जो इन परमात्मा का नाम लेना, वो सत्य की नाव में बैठने के समान है, और इसकी केवटिया सतगुरु यानी परमात्मा खुद हैं। भव सागर तरी आयो, जिन्होंने मुझे भव के सागर से पार कर दिया है, यानी मैं एक प्रकार से भव सागर से तर गई हूँ, मेरा यानी कल्याण हो गया है। इसी प्रकार से आगे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर यानी कृष्ण हैं, परमात्मा कृष्ण भगवान हैं। हरक हरक जस गायो, हरक हर यानी हर्ष से, यानी खुशी खुशी से, जिसका जस मैंने गाया है, यानी जिसकी मैंने महिमा की है। अब हम अगले पड़ाव की तरफ आते हैं और अगला है सूरदास की रचना। अब उनकी रचनाओं में हम पढ़ते हैं आगे क्या क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। बहुत बहुत सुंदर रचनाएं हैं और इसमें कृष्ण जी अपनी यशोदा मैया से कह रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मेरी माँ मैंने, माता जी मैंने जो माखन है वो नहीं खाया है। भोर भय गैयन के पीछे, सवेरे होते में गाय के पीछे चला गया था, यानी गायों को लेकर के चराने के लिए चला गया था। मधुवन मोहे पठायो, आपने ही मुझे मधुवन भेजा था, पठायो मतलब भेजा था, मोहिया ने मुझे। चार पहर बंसी वट भटको, चार पहर यानी दिन के चारों पहर, सवेरे से लेके शाम तक बंसी वट भटको। बंसी वट यानी बरगद का वो पेड़ जिसके नीचे श्री कृष्ण बैठकर बंसी बजाते थे, तो वहाँ मैं भटकता रहा। सांझ परे घर आयो, और शाम जब हुई तब मैं घर पर आया। मैं बालक बहियन को छोटो, यानी मैं छोटा बालक हूँ, मेरे बाजू यानी बाहें बहुत छोटी हैं। छींकों के ही विधि पायो, और जो मक्खन का जो मटकी है यानी ऊपर जो टंगी हुई है, वहाँ तक मेरा हाथ कैसे पहुँचेगा, यानी कैसे मुझसे पाऊँगा। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, और बाकी जितने ग्वाल बाल जितने बच्चे हैं वो सब मेरे बैर यानी दुश्मन होकर के मेरे पीछे पड़े हैं। बरबस मुख लपटायो, और मुझे फंसाने के लिए यानी मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाने के लिए उन्होंने मेरे मुख पर क्या लगा दिया, वो मक्खन है वो लगा दिया, ताकि मैं पकड़ा जाऊँ। जी तेरे कुछ भेद उपजी हैं, जाने परायो जायो। और अगर तुम्हारे मन में कोई भेद है और तुम मुझे पराया समझते हो, क्योंकि सोतेला समझती हो, तो तुम मुझे सजा दे सकती हो। इस प्रकार से उसने अपनी माँ को ही प्रेमवश ये कह दिया कि आप मुझे सोतेला व्यवहार मुझसे कर रही हो, पराया व्यवहार जैसा व्यवहार कर रही हो, यानी पराया लोगों की बातें में आकर के मुझसे व्यवहार कर रही हो। यह ले अपनी लकुटी कमलिया, बहुत नाच नचायो। तो अब अपनी जो आपने मुझे पकड़ाई थी, यानी जो कमरिया थी, यानी जो ये मटकी है उसको आप वापस लीजिए, आपने मुझे बहुत नचा दिया। सूरदास तब बस ही यशोदा, सूरदास जी कहते हैं उसी वक्त यशोदा जी हंस पड़ती हैं, ले और कंठ लगायो, और उसे लेकर के गले लगा लेती हैं। मुँह को कहाँ, अब यहाँ पे ये जो रचना थी वो ख़त्म हो जाती है सूरदास की, और अगली रचना अब कबीर की शुरुआत हो जाती है।
अब देखें कवि क्या कह रहे हैं अपनी रचनाओं में। उनकी रचनाएं बहुत सुंदर हैं और इन रचनाओं में परमात्मा जो हम बच्चों से या भक्तों से जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, उनका संदेश दिया हुआ है। वो परमात्मा हमें कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवल यानी देवालय यानी मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद यानी ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में और ना ही काबा और कैलाश में हूँ। ना तो कौन क्रियाक्रम में, ना ही मैं किसी क्रियाक्रम में पाया जाता हूँ, ना ही योग बैराग में और ना ही योग और बैराग यानी घर बार छोड़ करके जो जंगल में चले जाते हैं ईश्वर की तलाश में, उससे भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। खोजी होए तो तुरंत मिले हो, अगर मुझे खोजा होता तो मैं तुरंत मिल जाता, पल भर की तलाश में यानी पल भर की ही तलाश में मेरी प्राप्ति हो जाती। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर कह रहे हैं कि हे साधु सुनिए, यानी लोगों से कि सुनिए, सब श्वासों की श्वास में कि मैं सब की श्वासों श्वास में समाया हुआ हूँ, ये ईश्वर का संदेश इन पंक्तियों में दिया गया है। अगली पंक्तियाँ नानक जी के संदर्भ में हैं। काहे रे वन खोजन जाए, क्यों मुझे वन में खोजने जा रहे हो, परमात्मा की खोज में तुम वन में क्यों जा रहे हो। सर्व निवासी सदा अलेपा, जो सर्व जगह निवास करता है यानी हर जगह निवास करता है, सदा अलेपा है, अलेपा यानी उस पर लेप छेप यानी दोष नहीं लग सकता, यानी ईश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया जा सकता, तो ही संग समाये, वो तुम्हारे साथ ही समाये हुए हैं। पुष्प मध्य जो बास बसत है, फूल के बीच मध्य यानी बीच में जो या जिस प्रकार से बास यानी खुशबू बसत यानी बसती है, यानी फूलों के अंदर जिस प्रकार से खुशबू बसती है, मुकुर माही जस छाई, मुकुर यानी दर्पण, जिस प्रकार से दर्पण में आपकी परछाई यानी आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है, तैसे ही हरि बसे निरंतर, इसी प्रकार से हरि यानी परमात्मा वो भी बस तुम्हारे अंदर ही बसते हैं। घट हो खोजो भाई, अगर उसे आप खोजते हैं, घट घट मतलब जैसे खोजते हैं, अगर तुम्हें पता लग जाए कि परमात्मा हमारे ही पास है हमारे अंदर है, तो हम उसे हमारी जो खोज है तलाश वो ख़त्म हो जाए। बाहर भीतर एक ही जानो, अंदर और बाहर वो एक ही है, यह गुरु ज्ञान बताए, ये ज्ञान किसने दिया, ये गुरु ने हमें ज्ञान दिया। जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई, और यहाँ पर नानक जी कहते हैं जिस प्रकार से हम अपने आप को चिन्ह यानी पहचान करते हैं, चिन्ह लेते हैं यानी चिन्ह निशान पहचान कर लेते हैं अपनी, तो जो भ्रम की काई है यानी ईश्वर के प्रति जो हमारा भ्रम है वो समाप्त हो जाता है। तो आपकी यहाँ पे आज ये चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है।